कुछ याद आया या नहीं? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, सीआईडी ऑफिसर पे गोली चलाओगे? नहीं सर, हम लोग तो कबूतर पे गोली चला रहे थे सर, ये लोग बीच में आ गए। कबूतर पे गोली चला रहे थे? कबूतर पे गोली चला रहे थे? बचा लो सर, मुझे बचा लो। किससे बात कर रहा है? कौन है सीआईडी में जो बिक गया है? मालूम नहीं सर। फिर से उड़ना है? नहीं सर, बहुत हो गया है ना। किसने कहा था गोली चलाने के लिए? बड़े बड़े होठ थे सर उसके। बड़े बड़े होठ? लाल 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 होठ। ये चित्रोले साहब कब से लिपस्टिक लगाने लगे? तो उस आदमी के बड़े बड़े होठ थे और उसने लिपस्टिक लगा रखी थी। नहीं 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 सर, वो एक सर, वो एक लड़की थी। लड़की? ओ, अभी आदमी से लड़की हो गई। कौन थी वो? जानता नहीं सर। अच्छा, पैसे पैसे दिए थे उस पैसे दिए थे उसने और तुम जानते नहीं? सुना? जी सर। तो शक्ल नहीं पहचानते तुम लोग हैं? सर चश्मा, बड़ा बड़ा चश्मा लगा रखा था सर, बड़ा सा हैट भी था सर। देखा, कितने भोले हैं बेचारे। लड़की के होठ देखे लेकिन चेहरा नहीं देखा। याद है कुछ कहां दिए थे पैसे? ब्लू व्हेल रिसोर्ट सर। ब्लू व्हेल रिसोर्ट? ये तो वही जगह है जहां पे हमें उस लड़की की लाश मिली थी जिसके पैर कटे हुए थे। सीआईडी ऑफिसर कौन था वहां पे? वहां कोई नहीं था सर, वहां कोई नहीं था। वहां तो बस एक लड़की थी, उसे उसे चोट लगी थी सर। चीनी पे सर। बस बहुत हो गया, तुम जैसे बदमाशों को देखकर मेरा खून खौल जाता है। हेलो, ओके ठीक है सर, पैकेट आ गया है। ठीक है, चलो देखें। महेश, मिल गया सबूत? यस सर। ये सीडी इसमें है वो आदमी, खुद ही देख लो। इसी सबूत का इंतजार था सर आपको? लगाओ। यस सर। तुमने देखी है? यस सर। है? सब कुछ है सर। ये देख के अगर धक्का लग जाए तो संभाल लेना अपने आप को। चोरों को देख के मेरा दिल करता है कि मैं इनकी गर्दन बना दूं।
डीसीपी चित्रोले। महेश जरा फिर से रिमाइंड करो, 100 बार देख लो, 100 बार रिमाइंड कर लो, सीआईडी पे ये दाग मिट नहीं सकता। सर ये तो वाकई चित्रोले साहब निकले हैं। हाँ वही निकला, खुलेआम पैसे ले रहा मार्को से, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। चित्रोले के घर पे रेड करो, ये पैसा ढूंढ निकालो और चित्रोले को भी। यस सर। इस मार्कोस को पकड़ना है तो बस एक ही रास्ता है। ओके सर। चित्रोले, डीसीपी चित्रोले। लेकिन सर डीसीपी चित्रोले जैसे खतरनाक आदमी पे हाथ डालना हमारे बस की बात नहीं है सर। वो 5 करोड़ रुपए कैश कहां छुपा के रखे हैं डीसीपी चित्रोले ने, अगर वो मिल गए तो डीसीपी चित्रोले भड़केगा, गुस्से में नाचेगा। नाचते नाचते वो मार्कोस के पास जाएगा, वो आगे आगे हम पीछे पीछे, मार्कोस हमारे हाथ में। इस डीसीपी चित्रोले पे नजर रखनी होगी, उनका पीछा करना होगा। और वो लाश जो हमें उस रिसोर्ट से मिली थी, पता करो उस रिसोर्ट का मालिक कौन है। अभिजीत मुझे कोई बात नहीं करनी है अभी। नहीं नहीं मैं चित्रोले के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं मुझे कुछ और कहना था यार। यार मैं वो, अरे थैंक यू बोलना था भाई, तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग साथ में काम करते हैं, एक दूसरे की जान नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा। हाँ सर, एक मिनट। सर मैंने सुना है कि आप जा रहे हैं। हाँ श्रेया, अब दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। मेरे और दया के बीच में दरार आ गई है जो बढ़ती जा रही है। मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं यहां से चला जाऊं। सर दोस्ती फिर से भी तो हो सकती है ना। दोस्ती टूट चुकी है सर, प्लीज ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं हो सकता सर। दुख तो इसी बात का है श्रेया, ऐसा हो चुका है। ये क्या हो रहा है, तेह सर और अभिजीत सर की दोस्ती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। की जरूरत महसूस हुई इसलिए चले आए। लेकिन सर रात के 10 बजे के बाद पूल एरिया में आना अलाउड नहीं है। अच्छा आपने बता दिया, वैसे भी हमें ड्यूटी पे बेवजह स्विमिंग करने का शौक नहीं। मिस्टर दिव्यांक, इस वक्त हम एक जरूरी पूछताछ के लिए आए। पूछताछ? कैसी पूछताछ? क्या दिव्यांक ने आपको बताया नहीं कि उस क्रीक वाली मरी हुई औरत का हमारे रिसॉर्ट से कोई कनेक्शन नहीं है? इनकी तारीफ? ये अन्वेषा मैम है, इस रिसॉर्ट की मालकिन। मैडम कल दोपहर को जो पूल साइड पे ड्यूटी पे थे उनको बुलाएंगे आप? बाकी के सारे कनेक्शन हम बाद में समझाएंगे आपको। दिव्यांक उन्हें बुलाओ। यस मैम। अब तुम दोनों साफ साफ बताओ कल क्या हुआ था। सर वो खूबसूरत औरत थी, लंबा सा हैट पहन के और चश्मा लगा के मिलने आई थी। लेकिन मुझे ऐसे किसी गेस्ट के बारे में याद नहीं। मैडम वो यहाँ ठहरी नहीं, वो हमसे केवल मिलने आई थी।
सर ये दोनों वो वेटर हैं जो कल दोपहर को ड्यूटी पे थे। अब अच्छी तरह याद करके बताओ कि इन दोनों को तुम लोग पहचानते हो। हाँ साहब, ये दोनों लोग कल एक औरत से मिलने के लिए आए थे यहाँ पर। अच्छा, तो फिर पूरी की पूरी कहानी विस्तार में सुनाओ। बड़ी इज्जत रही का नमस्ते मैडम। नमस्ते। हेलो चक्की। हेलो पाल। पाठुन, मुझे पता था कि तुम लोग आओगे। तुम लोग को पता तो है कि तुम लोग को क्या करना है। हाँ मैडम, हमें छिपकर किसी पर नजर रखनी है। किसी पर नहीं, सिर्फ सीआईडी कॉप्स पर। उनका पीछा करना है, उन पर नजर रखनी है और उनकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे बतानी है, स्पेशली दो ऑफिसर्स, दया और अभिजीत। सीआईडी कॉप्स? वो भी दया और अभिजीत। तुम लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हो? तुम लोग को पैसे भी तो उतने ही मिल रहे हैं। एक्सक्यूज मी गाइस। हेलो, ऑल वेल। कितनी खूबसूरत दिख रही है, अंदर से उतनी खतरनाक लग रही है। हमें सुनना चाहिए क्या बात कर रही है। काम आएगी बाद में ये जानकारी। अरे हाँ बाबा, मुझे पता है अगले हफ्ते शो है। रिहर्सल्स भी हो चुके हैं, कॉस्ट्यूम ट्रायल भी हो गया है, सब कुछ रेडी। यू डोंट वरी, यू डोंट स्ट्रेस आउट, ओके? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? सॉरी जगी। तो तुम लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे थे पर जैसे उसे फोन आया, बात करने के लिए उधर चली गई। मैंने बताया वो कुछ खा रही थी। क्या खा रही थी? पिस्ता खा रही थी। अगर वो पिस्ता खा रही थी तो फिर छिलके भी जरूर फेंके होंगे। आप इन झाड़ियों की सफाई कराती हैं कि नहीं कराती हैं? हफ्ते में एक दिन, वरना सफाई के नाम पर वो सारे प्लांट्स को ही सुखा देंगे। सर, पर आप इन छिलकों का करेंगे क्या? आप नहीं समझेंगे मैडम। तुम दोनों ये बताओ कि उस औरत में तुमने कुछ अलग देखा, कुछ अजीब? वो दिखने में एकदम हीरोइन लगती थी आप। सर, मैडम ने जाते जाते मुझसे एक अजीब सा सवाल किया। क्या सवाल पूछा? सर, मैडम ने मुझसे पूछा यहाँ आसपास कोई शांत जगह है जहाँ वो अपना वक्त बिता सके। क्या जवाब दिया तुमने? सर, मैंने कहा वहाँ उस पहाड़ी की तरफ एक जगह है, सुनसान चौकी, वहाँ कोई आता जाता नहीं। जहाँ कोई आता जाता नहीं। शेर की गुफा में जा रहे हैं सर, शेर जागा ना वरना हम पे झपट्टा मार देगा। कितनी बार कहा है, डीसीपी सर घर पर नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है, कब झपट्टा मार देंगे चित्रोले साहब? सबसे पहले मुझ पर ही झपट्टा मारेंगे। डीसीपी साहब एक ऑफिशियल डिनर पे गए हैं, उनको आने में टाइम लगेगा, तब तक हम अपना काम कर लेंगे। फ्रेडी सर, इशिता और विक्रम वहां उन पर नजर रखे हुए हैं, जैसे वो वहां से निकलते वो हमें फोन करेंगे। ये सब मुझे पता है पूर्वी, मगर हम एक नंबर ही है तो चित्रोले साहब
दस नंबरी है, कब कहां किसको चकमा दे देंगे ये खुद भी नहीं जानते। अगर वो आ गए तो तुम उन्हें संभाल लेना, हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है। अरे नहीं सर, आप मुझे असली शेर चीते के सामने खड़ा कर दो, दो मिनट के लिए मैं उनको भी कंफ्यूज कर दूंगा, मगर चित्ता साहब, मेरा मतलब है चित्रोले साहब बड़ी टेढ़ी खीर है, दिखने में मीठे हैं, मगर गले में ऐसे अटकेंगे जान निकल जाएगी। यार यहाँ जान मत दो, यहाँ पैसे ढूंढो, सब लोग फैल जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो चीज जहां से उठाना वहीं रखना, वरना ये डीसीपी चित्रोले बहुत तेज है, तुरंत सूंघ लेगा कोई यहाँ पे आया था, समझे? सर कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया है, ये देखो। देखा, इतने सारे रुपए और हम सबकी फोटो बेच दिया हमें चित्रोले ने, मार्कोस को सुपारी दी हमारी, शेर नहीं है गीदड़ है, गीदड़ पीठ पे वार कर रहा है। डीसीपी चित्रोले के घर पे इतने सारे पैसे, समझ में नहीं आ रहा सर, डीसीपी चित्रोले ऐसा कर कैसे सकते हैं? उन्होंने अपने आप को बेच दिया। सिर्फ इतना ही नहीं सर, उन्होंने हमारे पीछे आदमी लगा रखे हैं, हम कहाँ जाते हैं कब जाते हैं ये सब नोट कर रखा है उन्होंने। हमारा ही बॉस हम पे नजर रखे हुए हैं। सर आप उनसे पूछते क्यों नहीं कहाँ से आए पैसे और क्यों उन्होंने आदमी चिपका रखे हमारे पीछे? उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ना। हाँ सर बिल्कुल, गिरफ्तार करना चाहिए, और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है सर, उनके घर में ये करोड़ों रुपए। कितने होंगे ये पैसे? सर ये 3 करोड़ है सर, और इतने गिनने बाकी हैं। चित्रोले वैसे कैसा आदमी है? चालू है? जी सर। होशियार? जी सर। कहीं आए? हाँ सर। जब उससे मालूम है कि हम उसके पीछे लग गए तो वो इतने सारे पैसे घर पे रखेगा? ये बात तो है सर, ये पैसे हमें बड़ी आसानी से मिल गए थे उनके घर में। हाँ सर, ज्यादा छुपाने की कोशिश नहीं की थी,
हो सकता है वो बेगुनाह हो। तो ये सब बेकार गया सर, ये मुश्किल से तो हाथ में आए थे वो। हमें लगा था सर कि चित्रोले के घर पे इतने सारे पैसे देखकर आप बोलोगे कि हत्था मजी से टकली। हेडक्वार्टर्स, हेलो जी, यस सर, व्हाट सर, अभी आना पड़ेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है सर। वो ब्लैक मनी का जो केस है उसमें कॉम्प्लिकेशन आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। तुम लोग ये केस कंटिन्यू रखो। थैंक यू सर, आपकी वजह से ये केस यहाँ तक पहुँचा है सर। जहाँ जहाँ पे लोग करप्शन फैला रहे हैं वहाँ वहाँ सिंघम पहुँचेगा। दया सर, तुम उस केस में मेरे साथ रहोगे, कल से मुझे ज्वाइन करो। सर, ऑल द बेस्ट। ये डीसीपी सिंघम सही कह रहे हैं, चित्रोले साहब ने उन पैसों को छुपाने के बजाय घर में क्यों रखा जो हमें इतनी आसानी से मिल गए। ये बात तो है, डीसीपी चित्रोले जैसा शातिर आदमी ऐसी गलती कैसे कर सकता है। हो सकता है इन सब के पीछे उनका कोई मकसद हो। ये चित्रोले साहब जो करते हैं वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो करते नहीं है। बात तो सही कह रहे हो, जरा नजर रखो उन पे, पीछा करो। यस सर। एक बात और, जग्गी और पाल ने कहा था कि वो पिस्ता खाने वाली लड़की किसी से फोन पे बात कर रही थी, किसी ड्रेस रिहर्सल के बारे में। ड्रेस रिहर्सल? सर, ड्रेस रिहर्सल जैसी बातें तो नाटक में काम करने वालों की रंगमंच की भाषा है। तो पता लगा अगले हफ्ते शहर में कहां कहां और कितने नाटक होने वाले हैं सब। पर सर, उस पिस्ता खाने वाली लड़की ने वेटर से किसी सुनसान जगह के बारे में क्यों पूछा होगा? ना वो वहां आराम फरमाने गई थी और ना पिस्ता खाने, ये उसकी कोई और ही चाल हो सकती है। चमन प्रोडक्शंस। सर, इस कंपनी का प्रोड्यूसर पॉपी शहर के हर कोने में प्लेस करवाता है। देखते हैं अगला नाटक कहां करने वाले हैं ये लोग। ओए चिंटू, तू यार हिसाब किताब ठीक से नहीं कर सकता, ये तो मुझे पहले से ही पता था। कम से कम यार ये मेरी गुलाब जामुन पे जो मक्खियां मंडरा रही हैं इनको तो भगा दे भाई। क्या करूं सर जी, मुझसे तो ना ये मक्खियां भी नहीं मारी जाती। ओहो यार, मैं तुझसे क्या उम्मीद रखता हूँ। और तू कौन है आप लोग, क्या आपको अपने प्ले के लिए मुझसे कुछ मदद चाहिए? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि जिस प्ले कंपनी के लिए हम काम करते हैं उसका नाम है सीआईडी। सीआईडी? और हमारी प्ले कंपनी मुजरिमों के करियर पर पर्दा डालती है। मुझसे कोई गलती हुई क्या? एक जानकारी चाहिए थी आपसे, हमें बस ये बता दीजिए कि अगले हफ्ते आप कौन से प्रोड्यूसर का प्ले स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगले हफ्ते तो एक ही प्ले हो रहा है जो मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। चिंटू, क्या नाम है उस प्ले का? नीलांजना, 9 अगस्त से स्टाइल पब ऑडिटोरियम में। नीलांजना सर, इस बैग में कुछ टिश्यूज, कुछ पैसे, कुछ मेकअप का सामान और एक किताब मिली है। नीलांजना नाम है इस किताब का। सर, इसका मतलब उस टैम्बुलिन क्रीक वाली लड़की का थिएटर से कोई ना कोई संबंध जरूर है, और उस पिस्ता खाने वाली लड़की का भी। देखो उधर देखो क्या लिखा हुआ है, सुनसान चौकी। जैसा नाम है वैसी जगह भी है सुनसान। पिस्ता खाने वाली औरत ने उस वेटर से यहाँ का रास्ता क्यों पूछा होगा, वजह क्या हो सकती है? एक काम करते हैं, इस पूरी जगह को छान मारते हैं, देखते हैं क्या मिलता है।
मैं जरा यहाँ आगे देखती हूँ, तुम इस तरफ देखो। हाँ किसी लड़के के कटे हुए पैर मिले हैं। सर, ये खून लगा हुआ चॉपर में मिला। सर, ये फावड़ा और कुदाल ही मिली है। सर, इस पे ताजी मिट्टी लगी है, ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में खुदाई हुई है इसे। ये मिट्टी वहां क्या हुआ? ये देखिए, ये मिट्टी अभी हाल ही में खुदी हुई लग रही है। ये मिट्टी हाल ही में खुदी हुई है यहाँ पर, और ये फावड़े में भी मिट्टी लगी हुई है। इसका मतलब यहीं पर कुछ है, यहीं पर कुछ मिलेगा, खोदो इसे। से स्मेल आ रही है, तुम्हें आ रही है? एक काम करो, तुम लोग अपने अपने मास्क पहन लो। कॉलेज ये क्या? वहां वो कटे हुए पैर और अब यहां ही? ये तो छिलका है, मार्को का आदमी। शरीर पर कुछ नमी सी लग रही है। नमी तो है। ये बॉक्स तो एकदम बंद था, फिर इसके शरीर पर नमी। लगता है इसको भी उसी ने मारा है जिसने वो तांबोलिन क्रीक पर लड़की को मारा था। वैसे कटे हुए पैर, जूतों का बॉक्स, लगता है मार्को ने मारा है। इसका मतलब छिलका ने मार्को को जरूर धोखा दिया होगा, पर वो पिस्ता खाने वाली लड़की मार्को के लिए काम करती थी जिसने इसे मार के यहाँ पे गाड़ दिया। इसका मतलब डीसीपी सर इस सब के बारे में जानते थे? हाँ काविल, जानते थे। डीसीपी साहब छिलका से मिल चुके थे। बस इस आदमी को मारने के बाद कहीं और भी रखा गया है। कहीं और रखा गया था? कहाँ कहाँ पे सर? शायद किसी फ्रीजर में। निलंजना, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ जितना सूरज की पहली किरण उस पर्वत से करती है जिसकी चोटी पे सबसे पहले सुबह सुबह वो बिखरती है। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, मगर मगर
अरे वो आगे की लाइंस क्या थी प्लीज? कॉन्सेंट्रेट की माया, कॉन्सेंट्रेट। अगर तुम प्ले के दौरान भी ऐसे लाइंस भूलोगी तो वो क्या कहते हैं वो अंडे और टमाटर, लोग हम पे वो फेंकेंगे। अंडे और टमाटर नहीं, अंडे और जूते, क्योंकि टमाटर तो महंगे हो गए ना। कि माया तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? कभी तो सीरियस हो जाया करो यार। यार मैं क्या करूं, विदाउट प्रॉपर मेकअप एंड प्रॉपर कॉस्ट्यूम मुझे वो सीन नहीं आता है। लो मैडम को रिहर्सल में भी फील की जरूरत है। ये दोनों कौन आ रही है? हमें जिसकी तलाश है शायद इन्हीं में से एक है। Hi everyone. Hello. आप दोनों को यहाँ पहली बार दिखा है? हम यहाँ नए हैं तो पहले कैसे दिखा होगा? एक्चुअली पॉपी जी ने हमें यहाँ भेजा है। मैं आप सबकी नई मेकअप आर्टिस्ट हूँ वान्या। और मैं रिया, आपकी सेट डिजाइनर। ओह, तो आप लोग हमारे परिवार का नया हिस्सा बनने आए हैं। वेलकम रिया, वेलकम वान्या, जॉइन अ फैमिली। थैंक यू, हाउ स्वीट। हम अपना काम कब से शुरू कर सकते हैं? रिया तुम अपना काम तुरंत शुरू कर सकती हो, लेकिन वान्या तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। क्यों? क्योंकि मेकअप हम फाइनल रिहर्सल और शो के दौरान करेंगे। हाउ लकी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सब्र का फल मीठा होता है। आपके ये दोनों कैनवस खाली क्यों है? एक्चुअली हम लोग भी ये बात सोच रहे थे कि हम लोग इस कैनवास पे कर क्या सकते हैं। मेरे पास एक नया और क्रिएटिव आइडिया है जिससे हमारी टीम स्पिरिट भी बढ़ेगी और हमारे सेट को चार चांद भी लग जाएंगे। अच्छा, क्या है तुम्हारा आइडिया? हम हमारे ग्रुप के हर मेंबर के हैंड प्रिंट्स लेंगे और उसके बाद उन्हें इन कैनवासेस पर लगाएंगे। लेकिन हैंड प्रिंट से क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि हाथ एक सिंबल है, हाथों से तो हमारे भावनाओं का निर्माण होता है और यहाँ पर भी तो हम वही कर रहे हैं। गुड पॉइंट, मुझे तो आइडिया पसंद आया। या ग्रेट आइडिया, वेल नॉट अ बैड आइडिया। नाइस, तो मुझे कुछ कलर बॉल्स और कार्ट्रिजेस लगेंगे। अब कार्ट्रिज शीट क्यों? कार्ट्रिज शीट इसलिए ताकि हम उस पर हैंड प्रिंट्स लें, उन्हें एनहांस करें और इन कैनवासेस पे लगाएं। ओके, गो अहेड, कम ऑन गाइस, बैक टू वर्क। पूर्वी, हैंड प्रिंट के साथ साथ उस इंसान का नाम भी ले लेना। नाम क्या? सुनीता। पायल, नाइस नेम। इस पर ग्रीन वाला, येलो, तमन्ना, डायरेक्टर, ओह नाइस, रेड। डॉक्टर तारिका जी, हम सबके फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं, थोड़ी देर में आपको पहुंच जाएंगे। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? पिस्ते के छिलके भी ये सफेद पेंट क्यों लगा रहे हैं? मुंह खोलने से पहले अपने दिमाग का ताला भी खोल लिया कर, समझे? पेंट नहीं है ये, केमिकल है। केमिकल? कैसा केमिकल है सर? सचिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, लायरा सी नाम है इसका। ये देखो, ये जो केमिकल लगाया है मैंने, जब ये सूख जाएगा ना तो इस पिस्ते के छिलके पर उंगलियों के निशान अपने आप उभर आएंगे। सर जल्दी बताइए, अगर फिंगरप्रिंट्स मिल गए तो हम उस पिस्ता वाली लड़की तक पहुंच सकते हैं। दया, ये देखो,
फिंगरप्रिंट्स। सचिन जरा चेक करो हमारे रिकॉर्ड्स में उंगलियों के निशान है कि नहीं। एक बात और, छिलका की बॉडी को टेस्ट करने के बाद ये बात कंफर्म हो गई है कि छिलका को लगभग 12 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखा गया था। ओह, मतलब शायद उस जगह के आसपास कोई डीप फ्रीजर था जिसमें छिलके की लाश रखी गई थी। सिर्फ फ्रीजर ही नहीं दया, शायद रसोई भी थी, क्योंकि छिलका के कपड़ों से मुझे बेकिंग पाउडर, सोडा, आर्टिफिशियल फ्रूट फ्लेवर्स ऐसे पदार्थ भी मिले जो कि जनरली किसी किचन में ही पाए जाते हैं। छिलका की लाश जहाँ मिली वहाँ आसपास एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे रसोई घर भी है और डीप फ्रीजर भी, ब्लू व्हेल रिसॉर्ट। इनका लंच ब्रेक कब तक चलता है? पता नहीं, कभी भी खत्म हो सकता है। हमें जल्द से जल्द उस लड़की का पता लगाना होगा जिसकी लाश हमें टैम्बोलिन क्रीक के पास मिली थी। हो ना हो उसका इस थिएटर ग्रुप के साथ कनेक्शन जरूर है। श्रेया, लैपटॉप, इसमें डिटेल्स हो सकती हैं। हो सकता है। लगता है यही फोल्डर है, यही है क्रू लिस्ट। मिल गया, ये वही लड़की है। इसका नाम मिली है, इसका सिर्फ फोन नंबर है। श्रेया एक काम करो, बाकी ग्रुप मेंबर्स की सारी डिटेल्स कॉपी कर लो, उनका बैकग्राउंड चेक करना है। ओके। ओनो कोई आ रहा है। तुम यहाँ रहो, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? मैं प्रॉपर्टी रूम में प्रॉपर्टी चेक करने आई थी तो पैर में मोच आ गई है। ठीक तो ना? नहीं। अच्छा मैं एक मिनट अंदर कुछ सामान लेके आता हूँ ना। बहुत बहुत दर्द हो रहा है। डोडो प्लीज मुझे नीचे तक छोड़ दोगे? चलो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। चलो सर, ये चित्रोले सर घर के अंदर ही होंगे? हम लोग बाहर बैठे तो वो अंदर ही होंगे ना। ये सर आपको पता नहीं है, चित्रोले सर एक आत्मा है। अबे डरा मत, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, वो कहीं भी फुर हो जाएंगे, हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। काटा काटा मेरे को काटा। क्या चित्रोले सर ने काटा? अबे नहीं, मेरी गर्दन के पीछे देख, एक मच्छर मेरा खून पी रहा है। मार उसे, जल्दी से मारो। एक नहीं सर, दो दो है। ये मच्छर दिन में काटे, ये डेंगू वाले मच्छर है, जल्दी से मार वरना मैं गया। नहीं नहीं सर, आप हिलना मत, मैं तीन तक गिनता हूँ, ठीक है? हिलना मत। एक सर लगी तो नहीं, एक्साइटमेंट में दो तीन गिनना भूल गया। अबे मुझे मारने का एक्साइटमेंट, तेरी तो सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं तो तुझे आपके गाल पे मच्छर है सर। हल्की नहीं नहीं, वाले वाले। अब रुक जा, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, बस सर हिलना मत। मैं उसे देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है सर। ओके, वन टू। थप्पड़ की आवाज, ये थप्पड़ किसने मारा? दो थप्पड़,
अलग अलग दो आदमी है। सॉरी सर, सॉरी सर। अरे चित्रों ने सर। चित्रों ने सर देख रहे हैं, जल्दी आओ। नीचे। चुपचाप चुपचाप आपका सर दिख रहा है। तेरा गला दबा दूंगा। गला बाद में दबाना, पहले आप नीचे झुको। मेरा मेरा गाल सूजा दिया तुमने। हाँ? अरे गाल वाल छोड़ो सर, चित्रों ने सर देख लेंगे। अरे सर पैर। अरे भी छोड़ छोड़ जा। अबे पंकज, नीचे नीचे करते कितना नीचे लेके आया मुझे। सर, सर देख रहे थे। सॉरी सॉरी। कोई नहीं, ये अभिजीत दया घोड़े बेच के स्वर है। सिंघम ने इन्हें बोला भी मेरे पीछे लोगो, अगर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।